नमस्ते बच्चों, नारायण लाल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो पाठ है पार नजर के, उस पाठ पर जो असाइनमेंट दिया गया है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न क्या है कि सुरंग नुमा का जो रास्ता था वो किस तरफ जाता था। देर वॉज अ सीक्रेट टनल राइट, सुरंग नुमा, तो वो कहाँ जाता था, वो रास्ता जो था वो कहाँ जाता था। तो सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, इट वॉज गोइंग अपवर्ड। दिस पीपल वर अंडरग्राउंड, तो वो रास्ता कहाँ जाता था, वह ऊपर की तरफ जाता था। ओके तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि छोटू की कॉलोनी जो है कहाँ बसी हुई थी। छोटू वाज स्टेइंग इन द कॉलोनी राइट, तो उसकी कॉलोनी कहाँ थी। तो छोटू की कॉलोनी जमीन के नीचे बसी हुई थी, वो जमीन के ऊपर नहीं थी, अंडरग्राउंड में थी, जमीन के नीचे बसी हुई थी। आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि छोटू की जमीन के ऊपर छोटू को क्या मौका मिल गया। He got one chance. What chance he got? He got, छोटू को जमीन के ऊपर का सफर करने का रास्ता मिल गया, क्योंकि वो सारे लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे रहते थे। Nobody was able to go outside except few people. Okay? तो छोटू को क्या अवसर मिल गया, क्या मौका मिल गया उसे जमीन के ऊपर सफर करने का। अब बिकॉज दे वर स्टेइंग अंडरग्राउंड, तो बाहर कैसा होता है वो उन्हें पता नहीं था, लेकिन छोटू को मौका मिल गया था। तो छोटू को जमीन के ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया था। तो बच्चों आपका चौथा प्रश्न क्या है, सुरंग में किस प्रकार प्रवेश कर सकते थे। तो किस प्रकार सुरंग में प्रवेश होता था, वो जो अंडरग्राउंड टनल था, वो सीक्रेट पैसेज, वहां पे जाने के लिए सब नहीं जा सकते थे, वहां पे प्रवेश कैसे मिलता था, कैसे किया जाता था। तो सुरंग में प्रवेश करने के लिए एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे के पास बने खांचे में कार्ड डालकर उसे खोला जा सकता था। देखो उस सीक्रेट रास्ते में जाने के लिए, सुरंग में जाने के लिए, टनल में जाने के लिए पहले एक दरवाजा आता था, और पहले उस दरवाजे का सामना करना पड़ता था। फर्स्ट यू हैव टू फेस द डोर एंड इट वाज ऑलवेज क्लोज। तो उस दरवाजे के पास जाने के बाद उस वहां पे एक स्लिट था, उस दरवाजे में एक छोटा सा क्या था, खांचा, स्लिट। तो उसमें उनको क्या करना पड़ता था, कार्ड डालना पड़ता था, कार्ड, उनका जो सिक्योरिटी पास वगैरह होता है, ऐसे कार्ड जो होता है तो उसको ऐसे डालना पड़ता था। उसके बाद वो दरवाजा खुलता था, और उसके बाद वो उस मार्ग में जा सकते थे। तो इस तरह सुरंग मार्ग में प्रवेश कैसे मिलता था, पहले दरवाजे के पास जाना था, उस दरवाजे में कार्ड, वो जो खांचा था उसमें कार्ड डालना पड़ता था, और उसके बाद वो जब दरवाजा खुलता है तो उनको अंदर प्रवेश मिलता था। बच्चों आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्यों नहीं थी, और पाठ के आधार पर लिखो, उसे उस सीक्रेट टनल में जाने की उसको इजाजत नहीं थी, क्यों। तो छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था, और आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी। वो जो रास्ता था वो जमीन के ऊपर जाता था, तो इसलिए आम आदमी को, कॉमन पीपल कैन नॉट गो देयर, ओनली ट्रेन पीपल वर एबल टू गो, उनको परमिशन थी,
आम आदमी आदमी नहीं जा सकता था, इसलिए छोटू को हो या किसी और को भी उस रास्ते में जाने की इजाजत नहीं थी, मनाई थी। इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड फॉर अदर्स, इट वॉज ओनली अलाउड फॉर द ट्रेन पीपल। जो जमीन के ऊपर जाते हैं उनको ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए। छठा प्रश्न है कि छोटू और उसकी माँ के बीच में हर रोज कोई ना बात किस बारे में बातें होती थी। हर रोज वो माँ के साथ किस बात से किस चीज के बारे में बातें करता था। तो छोटू और उसकी माँ के बीच रोज सुरंग नुमा रास्ते के संबंधी बातें होती थी। वो जो सीक्रेट रास्ता था ऊपर की तरफ जाने वाला, उसके बारे में बातें होती थी। उसे वहां जाने का बहुत चाह थी, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं छोड़ती थी। लेकिन उसे वो हमेशा पापा क्यों जाते हैं, वो क्या है, ऐसे बहुत सारे वो सवाल पूछता था। तो रोज उनके बीच में सुरंग नुमा जो है उसके बारे में, उस रास्ते के बारे में बातें होती थी। आपका सातवां प्रश्न जो है कि सुरंग नुमा रास्ते में जाने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी। They wanted to go in that secret tunnel. तो क्या चाहिए था वहां पे जाने के लिए? तो वहां जाने के लिए सिक्योरिटी पास की आवश्यकता थी। वहां पे सिक्योरिटी पास जिसके पास होता है उसी को जाने के लिए परमिशन थी। तो सुरंग नुमा रास्ते पर जाने के लिए, रास्ते में जाने के लिए सिक्योरिटी पास की जरूरत थी। तो बच्चों आपका आठवां प्रश्न क्या है? जमीन, इस जमीन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द लिखो, यानी समानार्थक शब्द लिखो, सिनोनिम्स लिखो। तो जमीन के और कौन 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 से अर्थ हैं? धरती, पृथ्वी, भूमि। समझ में आया? धन्यवाद।